नमस्कार, मंतव्य को स्वागत करुशक्ति। ममिता मेहर हत्या घटना रे दिन को दिन कैप्टेन दिवेश शंकर मिश्र गृहराष्ट्र मंत्री इस्तफा दाबी तेजीबारे लगी। घटनाक्रम आज बीजेपी रो केंद्रीय टीम ममिता गाँ झरणी को जाई तांका परिवार को भेटुचंती। जो टीम रे रही सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री ए श्रीनिवासन एवं बीजेपी विधायक रूपा मित्र चौधरी, ये तीन जन को नहीं गठित टीम वर्तमान झरणी गाँव रे तांका परिवार को भेटुचंती। यहाँ पर जिबे महालिंग कॉलेज पड़िया जोठी की तांकर मृतदेह को पोड़ी दिया जाइथिबा अभियोग आसी, सेठी मध्य घटनार अनुध्यान करिवे। सेपटे आज मध्य अनेक जिले में बीजेपी पक्षरु एसपी ऑफिस घेराव करा जाइछि। अनुगुल रे तो परिस्थिति अनायत होइतिला। बीजेपी रा महिला मोर्चा युवा मोर्चार कर्मी माने जेते बेले एसपी ऑफिस घेराव करथिले पुलिस सहित सेमानकर ठेलापेला होइतिला, धस्ताधस्ती होइतिला, पुलिस कर्मी मानंकु उठै नैथिला। किंतु लगातार भाव रे एने के आंदोलन बढ़िबारे लागिछि। एवं गोटिए कथा एठी सामना को आसुछि जे लगातार सरकार को पाई कंटा सब्यस्त होती कैप्टेन, सरकार बदनाम मुंडाई कैप्टेन का पाई तो सरकार सुनाम रास्ता रे कंटा साजिंट कैप्टेन। जो भाई भाव आग को पंचायत निर्वाचन आसुच्ची समय सरकार भावमूर्ति, जो भावमूर्ति आधार रे जो भावमूर्ति को पथेय करी लगातार भाव में निर्वाचन जीति आसुंव से भावमूर्ति उपर कलंक लगे कैप्टेन, तो कैप्टेन साजिंट कंटा। विरोधी मैंने आक्रमणात्मक मुद्रा गत काली कांग्रेस रो केंद्रीय टीम मध्य आसीथिले। रणदीप सूर्जेवाला इनका नेतृत्व रे झरणी गाँ जाई तांका परिवार को भेटीथिले एवं जोठी पोड़ा होइथिला तांका मृतदेह स्कूल खेलापड़िया सेठी जाई अनुध्यान करथिले। भुवनेश्वर आसी प्रेस मीट करी राज्य सरकार को काठगड़ा रे छिड़ा कराइथिले किभली भाव रे ओडिशा महिला निर्यातना क्षेत्र रे महिला अपराध क्षेत्र रे वर्तमान सारा देश में चर्चा साउटुची। से कथा से सामना को आनी एक प्रश्न उठाई जे जदि राज्य सरकार कौन सी अधिकारी कि मुख्यमंत्री जदि थरे जानते ममता उनका परिवार लोकों आखिर लुह देखते ताहले आज पर्यंत कैप्टेन को सुरक्षा दे न था सरकार, एवं आज पर्यंत कैप्टेन निज पदवी न था। तो कहीं इत्ते बड़ा घटना रे आज पर्यंत सरकार का पक्षर कहीं जाई परिवार को संवेदना जनवा परिवार को आश्वासना दबा कहीं हो पुलिस तदंत कहीं बाटबणा होता को नहीं कि बीजेपी गत काली प्रश्न उठाई जे पुलिस जो तथ्य दौची एवं जो घट जो प्रमाण मिलू ता भितर आदम तालमेल रोना पुलिस कहीं पूरा घटना संपर्क आज पर्यंत स्पष्टीकरण रखुना केमिति घटला घटना केमिति हत्या कला गोविंद एवं कौन थिला पूरा घटनाक्रम से संपर्क में आज पर्यंत कहीं पुलिस स्पष्टीकरण रखुना। एवं जोते बड़े जो विवाद उठुची ताकु नहीं पुलिस को प्रश्न करा जाउची, पुलिस ताकु एड़ाइबार लगी। तो कैप्टेन को गोविंद को सुरक्षा दौले कैप्टेन एवं कैप्टेन को सुरक्षा दौंती सरकार, ये कथा को लेकिन वर्तमान विरोधी माने लगातार भाव में हल्ला बोल करुछंती। प्रतिदिन राज्यर कोण अनुकोण रे ए घटना को लेकिन विक्षोभ प्रतिवाद एसपी ऑफिस घेराव थाना घेराव ये सब लगातार भाव में चली। राजधानी भुवनेश्वर में मध्य विभिन्न संगठन लगातार भाव में सरकार को उपरे दाबी करी सरकार को दाबी करी आंदोलन करुछंती, राजरास्ता को ओह्लाउछंती जे कैप्टेन को तुरंत बहिष्कार कर तांकु गिरफ करा जाउ, तांकु मध्य ए घटनारे तदंतर परिसरभुक्त करा जाउ। ए कथा बारंबार दाबी करी आसुछंती विरोधी। तरुण साहू आम प्रतिनिधि बलांगीर आम सहित जोड़ी होती। तो तरुण ए घटना को 8 तारीखर घटना एवं 20 दिन रु 21 दिन वर्तमान हो गला घटना को आज पर्यंत ए घटना संपर्क एक तो पुलिस तार भूमिका को लेकिन जो भाई भाव संदेह घेर अच्छी विलंब कला जाणीशुणी एवं गोविंद साहू को जितेबले चारिआड़ चाप हला सेतेबले जाकि गिरफ कला। एवं सबुठ बड़ कथा हे घटनार जी
गोविंद साहूर सुरक्षाकारी बोली अभियोग आसुची एवं स्कूल रे जो जनकलंकारी चली थिला जहाँ अभियोग आसुची जो कि ममितांकर जीवन गला सी एक प्रकट कर दे थांते एवं से स्कूल ये केलंकारी पछरे जे कारपटदार कह जाऊथबा गृह राष्ट्र मंत्री तो तांकर इस्तफा आज पर्यंत हला नाही बा सी ना इस्तफा देले ना सरकार तांकू बहिष्कार कले तो ताकू नहीं कि बलांगीर जनसाधारण केमती प्रतिक्रियाशील होती कारण ए घटना केवल बलांगीर भितर आ सीमित हो रही ना सारा राज्य एवं देश में एक जातीय प्रसंग पलटि कारण जातीय स्तर नेता माने आसुंती घटनारे परिवार को भेटुंती एवं राज्य सरकार को समालोचना करुंती आज बीजेपी केन्द्रीय टीम जा तो बलांगीर रे ए घटना को नहीं कि केमती माहौल अच्छी कौन प्रतिक्रिया आसुच्छी लोकंर देखु शक्ति साई प्रथम दिन रु जो महालिंग सनसाइन स्कूल अध्यक्षा ममिता आर मेहर मृत्यु घटना बा अपहरण घटना सारा राज्य हईचई सृष्टि करता वर्तमान झरणी गाँव ए प्रसंग ममिता मेहर हत्या घटना वर्तमान दिल्ली पर्यंत पहुंची कहीं जातीय स्तर नेता वर्तमान झरणी गाँव को जैक पीड़िता परिवार को समबेदना जनाऊंट कहीं क्यों परिस्थिति रे घटना घटला ताकू नहीं कि आलोचना और पर्यालोचना जेहेतु ममिता मेहर अपहरण घटना नहीं पीड़िता परिवार बापा माँ एवं संपर्कीय प्रथमे के गाँ थाना को अभियोग कले किंतु पुलिस ग्रहण कलानाई कहीं से गोविंद साहूर दबदबा थिला थाना अधिकारी सहित तांकर मध्य घनिष्ठता थिला सेइतिपई पुलिस प्रथमे एतला ग्रहण करिनथिला परे तुरेकेला रु मध्य सेमाने नियाजी पर्यासित होइथिले एवं जेतेबेले सिंधेकेला थाना रे एफआईआर हला पुलिस ताकू सिंधेकेला रे रखिबा बदल रे टिटलागढ़ ब्यारेक रे रखिला एवं टिटलागढ़ ब्यारेक रु ही से फरार मारिला एवं फेरार मारे आलोचना होची उभय बलांगीर जिले में जे जिते बड़े टिटलागढ़ पुलिस ब्यारेक रु अभियुक्त गोविंद साहू चंपट मारा से एक धड़ा बोलेरो महालिंग कॉलेज जाकि सीसीटीवी एवं हार्ड डिस्क को नष्ट कला वर्तमान पर्यंत पुलिस अभियुक्त गोविंद साहूर मोबाइल सीज करना तार सीडीआर लोकलोचनक आसीना एवं ताकू सुरक्षा देउचंती बोली विरोधी अभियोग करुचंती जहाँ को लेकिन राज्य में वर्तमान उठुची पड़ुची विभिन्न समय एसपी ऑफिस घेराव कर थाना घेराव कर राजनीतिक दल छड़ा अन्य संगठन नेता माने साधारण लोक प्रतिक्रियाशील होती जो ओडिशा भली राज्य एक हृदयस्पर्शी घटना किभली भाव में जड़े युवती अपहरण पर हत्या करलोचना जहाँ दुई दिन तले राज्यर नेतृत्व 15 जणिया भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि आसिक ममिता मेहर परिवार को संबोधना जनइले और महालिंग कॉलेज गले गत काली कांग्रेस साधारण संपादक रणदीप सिंह सूर्यवाला और चेला कुमार ओडिशा प्रभारी आसिक पीड़िता परिवार को भेटिले और महालिज कॉलेज गले किंतु आज भारतीय जनता पार्टी जड़े सांसद सुनीता डुगोल एवं रही श्रीनिवासन जी रही भारतीय महिला मोर्चार सभानेत्री और रूपा मित्र विधायिका सी पीड़िता परिवार सहित आलोचना लगातार घंटार अधिक समय सरकार को ऊपर किंतु सरकार कौन सी पदक्षेप ए घटनारे ना पुलिस भूमिका स्पष्ट हला ना जे कि ए घटना पछरे मुख्य षड्यंत्रकारी कहुची दिव्यशंकर मिश्र गृह राष्ट्रमंत्री जहाँ बहिष्कार लगातार भाव में विरोधी दाबी कर राज्य सरकार आज पर्यंत बहिष्कार कले ना आम सहित जोड़ी होती बीजेपी नेत्री संघमित्रा प्रधान जो भाई भाव में बीजेपी बारंबार राज्यव्यापी एक आंदोलन करुच्ची आपणकर टीम पूर्व राज्य स्तर राज्यर बड़ नेता मानकर टीम जा झरणी गाँव में पर भेटिकी आसी प्रेस कन्फरेन्स जरिया दाबी कर दिव्यशंकर मिश्रंकर इस्तफा किंतु कौनसी प्रकार आज पर्यंत पदक्षेप नियागला नाही एबे जातीय स्तर जो टीम आसी केंद्रीय टीम आसी से वर्तमान झरणी गाँव जाइछंती बीजेपी लगातार भाव में आंदोलन करुचे किंतु सरकार को ऊपर यार कौनसी प्रभाव वर्तमान पर्यंत पड़ुवा देखा मिलूना कारण दिव्यशंकर मिश्र एवं भी गृह राष्ट्रमंत्री पदर अब्याहत अच्छा मैडम संघमित्रा प्रधान ओके मु संघमित्रा मैडम सहित जोजोग परवर्त समय पाखक आसवा आम जा फुलेश्वर आम प्रतिनिधि जोड़ी होती झरणी गाँव में अच्छा जोटी पर रोचंती ममिता मेहरकर परिवार लोकों सहित कथा होती वर्तमान बीजेपी केंद्रीय टीम
भुवनेश्वर कौन सूचना अच्छी केन्द्रीय टीम केतर आलोचना सर कौन कथा हो किसी प्रतिक्रिया रखिले कि गणमाध्यम को जो बीजेपी रो केंद्रीय टीम आसी देखो तो शक्ति आम अच्छु ममिता मेहर जो गाँ अच्छे झरणी गाँव रे अच्छु सीधा सड़क किसी समय तले जो बीजेपी रो केंद्रीय जो केंद्र रो नेतृत्व तीन जन जो प्रतिनिधि दल आसते झरणा जो झरणी गाँव रो ममिता मेहर परिवार सहित सीधा सड़क आलोचना करते किए ए संस्कृत अच्छी क्यों मैंने संस्कृत सीधा से नहीं माँ बापा सहित जिते बार आलोचना करते से समय जो ममिता मेहर जो माँ अच्छी से किसी समय धरी असुस्थ रही से नहीं देढ़ घंटा धरी ए ममिता मेहर परिवार सहित सीधा सड़क जो केन्द्र जो तीन जनी टीम आधा सड़क से आलोचना करते किपरी भाव जो गोविंद साहू अच्छी किपर भाव फांसी मिल यार पचरे जो अच्छा जो कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र किपर भाव मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे से संपर्क सीधा सड़क आलोचना करते तेरे जिते बेले आसिले देढ़ घंटा धरी ममिता मेहर माँ बापा सहित सीधा सड़क आलोचना करते संपर्क सहित आलोचना करते घटना को घोर निंदा करने सहित किपर भाव जो ये घटना जो गोविंद साहू को फांसी मिल परिवार लोके बीजेपी जो केन्द्र आनि जन जो प्रति दल को से दृष्टि आकर्षण करते तेरे जो तीन जन जो आसते से महालिंग जो घटना घटी जो गोविंद साहू जो हत्या करते स्थान को वर्तमान से माने सहित आलोचना करी सीधा सलोक कंटाबाजी बंग मुड़ा दे महालिंग को सीधा सलोक जो तीन जन जो जो केन्द्र आसते सहित जो भाजपा जो कर्मकर्ता अच्छा से मानस मिसी महालिंग सीधा सलोक जाइंट तेरे आसंता का भुवनेश्वर ठार एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन विस्तृत भाव गणमाध्यम को सूचना देव बोली जो अच्छा केन्द्र जो मंत्री जो आसते जो तीन जनी प्रतिनिधि दल सीधा सड़क आसंता का भुवनेश्वर ठार गणमाध्यम को सभी सूचना देव बोली ओके भुवनेश्वर तो केंद्रीय टीम बाहरी जाइछंती महालिंग अभिमुखे एवं सेठारे जाकी घटनास्थल अनुध्यान करिबे एवं आसंता काली प्रेस मीट माध्यम रे निजर वार्ता रखिबे कौन से माने अनुभव कले कौन अनुध्यान कले तो आम सहित संघमित्रा प्रधान जोड़ी होइछंती बीजेपी नेत्री संघमित्रा मैडम लगातार भाव में बीजेपी आंदोलन करुछी महिला मोर्चा जीव मोर्चा एवं आपणकर सीनियर लीडर माने जाइथिले घटनास्थल बुली देखिके आसिले एठी प्रेस मीट कले एवं गोटिए दाबी बारंबार करा जाउची जे घटनार सीबीआई तदंत करा जाउ पुलिस ठीक बाटरे तदंत करू पुलिस स्पष्टीकरण रखे एवं सबुठू बड़ दाबी जे ए घटना पछरे षड्यंत्रकारी कहा जाउची दिव्यशंकर मिश्र गृह राष्ट्रमंत्री तांकर इस्तफा दल दाबी करुछे किंतु आज पर्यंत सरकारक उपरे यार कोनोसी प्रभाव पडथुवा देखिबा कोनो नाही दिव्यशंकर मिश्र वर्तमान पर्यंत ना निज आडू इस्तफा देले ना सरकार तांकु बहिष्कार कले बिलई को क्षीर जगवा काम देला भाया ये कमटा चली गृह विभाग मुख्य जे से हेले अभियुक्त एवं तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबा पुलिस काम करुचे आपण कहतु जे कौन करुथिबो किंतु भारतीय जनता पार्टी महिला मानकर सुरक्षा नहीं कि सबुदिन चिंतित अच्छी एवं प्रत्येक घटन आ पूर्वर जहा जहाँ घटना घटी जा गणिले तो पूरा कविता हबो से प्रत्येक घटन भारतीय जनता पार्टी तार स्टैंड नहीं सरकार को आंगुठी गेंजी देखा चेष्टा कर गलती कौन एवं एथर तो केन्द्रीय नेतृत्व यहाँ गुरुत्वर सहित नहीं आमर राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती भनती श्रीनिवासन जी आउ टीम आसी अनुसंधान पाई तेणु ओडिशा रे जो न्याय आशा कराए से आम अन्य क्षेत्र में आज पर्यंत पाइनु जिते सब घटना इतिश्री ठार आरंभ कर बेबिना पर्यंत जहा जहाँ घटना घटी जाइए आम न्याय आज पर्यंत कौटि भी पाईना जो ममिता क्षेत्र में न्याय मिलवाटा आकाश कया भली लगुच आपड़ निजे विचार करूँ जे दोषी से हूँ तदंतकारी दलर मुख्य तेणु सी कौन तदंत हम आष्कर्ष बाहर यहाँ सर्वसाधारण को पूरा जना अच्छे से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई तदंत दाबी करुची मंत्री एति नैतिकता नहीं
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭାଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଆପତ୍ତି ଉଠୁଛି ତେଣୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ ଏତିକି ବି ନୈତିକତା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି ଯଦି ନୈତିକତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ ସରକାର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ତଦନ୍ତ କରିବନି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୋଲିସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହିଁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି ମମିତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତା ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲଗାତାର ଭାବରେ କରିଆସୁଛି ବିରୋଧୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେମିତି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମେହେର ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କାହିଁକି ସରକାର ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସଂଗମିତ୍ର ମାଡ଼ା ମୁଁ ଆସିବି ତରୁଣ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଛନ୍ତି ତରୁଣ ଯେଉଁ କଥା ହୁଲେଶ୍ୱର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ବାହାରି ସାରିଛି ମହାଲିଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ମମିତା ମେହେର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କେତେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ବାଟରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର ଏ କଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନସାଧାରଣ କେତେ ଦୂର ଏ ଘଟଣାରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ବାଟରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉନାହିଁ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତରୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ପରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଭୁଲିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଆ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲିଆ ସମାଜ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମେହେର ସମାଜର ଯେଉଁ ଝିଅ ରହିଛି ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଉଠୁଛି ଯେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସବୁ 4-5ଟି ସଂଗଠନ ପୁଣି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି କରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବେ ତେବେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ପୁରା ଘଟଣା ଏବଂ ପୁରା ସତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଖୁ କିଆରୀରୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତ ଏ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଭଳି ବେବିନା ପିହୁ ଏବଂ ଏ ପରି ଘଟଣା ଯେମିତି ଚାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ ଏ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସବୁଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ ପୁରାପୁରି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ମମିତା ମେହେର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ତ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପରସେପ୍ସନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପରି ଘଟଣା ବା ବାକି
महिला माने जो माने जो चर्चित घटना गुड़िक राज्य में घटी सेठी जमती आज पर्यंत न्याय पारे ना परिवारवर्ग अभियुक्त खसीगले तो ममिता मेहर घटनारे तो सेमिति हबनी तो तार पुनरावृत्ति हबनी तो कारण ये विरोधी बा विभिन्न समाज जो दाबी तार कौन प्रभाव सरकार को ऊपर पड़ुवा सामना को आसुना संघमित्रा मैडम मुझे जावाक चाहिए जे आपण माने आंदोलन करुं विभिन्न स्तर में आंदोलन चली किंतु तार कौन इंपैक्ट तार कौन प्रभाव वर्तमान पर्यंत सरकार को ऊपर पड़ूना जदि पड़ू था जदि सरकार आंदोलन को गुरुतर सह नौ ताले हुए तो कैप्टेन को बाहर रास्ता देख सारे तो बाकी जो घटना गुड़िके परिघटन भी आपण दल आंदोलन करा विशाल पदयात्रा कला कैंपेन कला किंतु प्रकृत जो दाबी थिला से दाबी पूरण हो पारा ना परिवार आज पाई न्याय पाई संघर्ष करी घटना गुड़िके सामान कथा तो ये लोकों भितर संदेह तैयारी जे ये आंदोलन बा जो भाई भाव में चली प्रतिवाद तार कौन प्रभाव बोधवे सरकार को ऊपर पड़ी ना एवं एटी अभियुक्त मान खसी एवं परिवार को न्याय मिल पार ना मु धन्यवाद देवी अर्गस टीम को जे समाज यही दूषित मानसिकता विरुद्ध से तार लड़े जारी रखी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक महिलांकर समस्या नहीं बारंबार राजरास्ता को आसी आपण देखु परी घटन मंत्री अरुण साहू किसी हलानी महिला मान कथा छाड़ू इतिश्री कथार भी किसी हलानी आपण महांगा डबल मर्डर कथा भी देखु मंत्री प्रताप जेना भी किसी हलानी तापर विक्रम आरुख भी अभियुक्त है भी किसी हलानी मानने आमर ये सरकार चली मंत्रिमंडल आपतु केण हत्याकारी मंत्री अच्छा महिला समस्या तो गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय सेटा को आपण टिके साइड रे रखे के विचार करूँ जे ए जो हत्याकारी मंत्री मानकर मंत्रिमंडल चलचे केवल जे महिला नुह विभिन्न इश्यूरे मंत्री मैंने मर्डर करना अभियुक्त होकर खसी जाठी तो सहजे आमर गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर निजे पुलिस विभाग मुख्य तेणु न्याय आशा आम करवाटा वृथा किंतु एते अतिष्ट हो सारे केवल पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से नुहे साधारण वर्गर लोक मैंने आपत देखते विभिन्न प्रकार अनुष्ठान तरफ प्रतिवाद करा महिला मान को माँ को सम्मान कहीकिना जो सरकार आसी शासन को केवल महिला मान को भोट देवा एसएसजी मान को हाथ बारिश करना कि सुविधा देकर पुणी इलेक्शन टाइम व्यवहार करने छड़ा आज पर्यंत कौन सी गोटे महिला न्याय पाई एटा इतिहास खोजिले भी मिलवन नवीन सरकार अमल में तेणु न्याय गोटे जिनस से शासन में ना आमर सरकार जो महिला मुखपात्र मैंने अच्छा से तो बहुत जन सामना को आसुना आज जो मैंने आसुचार से मैंने एभली वक्तव्य रखुंजे से जड़े महिला एक विश्वास कला बेलू कष्ट गोटे गोटे महिला सी जेकोसी दल रोसी अनुष्ठान हो कि महिलाटा तो महिला ना महिला सुख दुख भल मंद व्यवहार सम्मान आचार विचार सबकि तो महिला भाई होगा उचित महिलाटा तो पुरुष हो पारे तेणु महिला जो शारीरिक गठन दृष्टि तार जो से कौन कमें जो असुरक्षित सेटा महिला जो दुर्बलता से बीजेडी दल महिला हूँ बीजेपी दल महिला हूँ कांग्रेस दल महिला हूँ राजनैतिक स्वार्थ आगे सबकि बात पड़ जाए सबकि तुच्छ हो जाए जड़े महिला महिलार सुरक्षापी सामना को आसी पारना मुह खोलूना तो ये हूँ बर्तमान विडम्बना किंतु विरोधी मान दाबी हो विभिन्न समाज जो दाबी उठू से दाबी से पर्यंत सफल हो पारना जो पर्यंत सरकार दिव्यशंकर मिश्रंकर जो कथा मुख्य दाबी रही जेपर्यंत बहिष्कार न करी से पर्यंत विरोधी आंदोलन सफल बोली वर्तमान सुधा कहा पारना केते दिन सरकार ये निष्पत्ति नवापी समय नौ ना बाकी घटना परी ए घटना रे मध्य आंदोलन ये भाव में चलो थमीज
एवं जो माने अभियुक्त सरकार जो माने पावरफुल लोक से माने पुणी थरे झाड़ी झुड़ी हो कि से भली भाव रही तो ये हूँ वर्तमान स्थित सबुठ बड़ प्रश्न किंतु विरोधी माने एवं साधारण लोकों भितर जो भाई भाव में घटना को लेकिन आक्रोश तैयारी असंतोष तैयारी तो ये कंटा कैप्टेन कंटा को केते दिन पर्यंत निज तंटी रे रखी पारुछंति सरकार कारण ये एभली कंटा जदि गिळिले सरकार असुविधा एवं जदि काढ़िले सरकार असुविधा तो सरकार कौन करिवे एभली भाव में गिळिकिरि हजम करिवे कंटा को ना काढ़िकिरि नैतिकतार परिचय देवे ये होची बड़ा प्रश्न वर्तमान समय।